पीडीएफ ये एक फाइल फॉर्मेट होता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन में कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं तो ज्यादातर फाइल्स का फॉर्मेट पीडीएफ होता है। इसी तरीके से जब आप कोई फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, तो ज्यादातर फॉर्म्स में पीडीएफ फाइल ही अपलोड करने के लिए बोला जाता है। और पीडीएफ का भी साइज फिक्स होता है कि आपको 200 या 300 केबी में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, और साथ ही अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है तो उसका साइज आपको कम करने की जरूरत पड़ती है। और अगर आपके पास कोई लॉक पीडीएफ है, जैसे कि आधार कार्ड होता है, इसमें लॉक लगा हुआ होता है, तो आपको इस लॉक को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और पीडीएफ को फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ ही किसी भी पीडीएफ का आप साइज कैसे कम कर सकते हैं, और अगर किसी पीडीएफ पर लॉक लगा हुआ है तो आप उसके लॉक को कैसे रिमूव कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ईशान पीडीएफ मैनेजर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। इसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपके पास कोई फोटो है और आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ इमेज टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, और जो भी इमेज आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ से चूज कर लीजिए। इसके बाद नीचे श्योर पर क्लिक करेंगे, इमेज यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एक नेम देंगे जो भी आप अपनी पीडीएफ फाइल का नाम रखना चाहते हैं, और इसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पीडीएफ क्रिएट हो चुकी है। आप यहाँ ओपन पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इमेज अब पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर टेक्स्ट टू पीडीएफ। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है और उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है और उसको आप इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां से फाइल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर नीचे यहां पर व्यू फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो सब यहां पर आ जाएगी। और जिसको भी आप इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद यहां क्रिएट इमेज पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहां पर पीडीएफ इमेज में कन्वर्ट हो चुकी है। आप यहां व्यू इमेजेस पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अब ये पीडीएफ यहाँ पर इमेज में चेंज हो चुकी है। अब बात आती है कि अगर आपको किसी पीडीएफ पर पासवर्ड लगाना है तो आप यहाँ ऐड पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर नीचे यहाँ पर आएंगे व्यू फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं वो सब आ जाएगी। यहाँ से आप चूज कर लेंगे आप किस फाइल में पासवर्ड लगाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक इनवॉइस है, हम इसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करेंगे आप क्या पासवर्ड लगाना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, इसके बाद ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड लग चुका है। व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पीडीएफ रीडर चूज करेंगे तो देखिए फाइल ओपन होने से पहले पासवर्ड मांगेगी। आपको यहाँ पर वही पासवर्ड डालना है जो अभी लगाया है और ओपन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी पीडीएफ फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर किसी फाइल पर पासवर्ड लगा हुआ है तो उस पासवर्ड को कैसे हटाएं। जैसे कि आधार कार्ड होता है, उस पर एक पासवर्ड लगा होता है, तो आप आधार कार्ड का पासवर्ड कैसे हटाएं। तो इसके लिए आप यहाँ रिमूव पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। इसमें भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इससे या तो आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे आएंगे व्यू फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की सभी पीडीएफ यहाँ पर शो होगी। यहाँ से आपको उस फाइल को चूज कर लेना है जिसमें आपने पासवर्ड लगाया है। जिस फाइल में पासवर्ड लगा हुआ होगा उसके सामने इस तरीके का एक लॉक आइकन शो होगा। चलिए हम यहाँ सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके चूज करेंगे। यहाँ पर ये आधार कार्ड है, मैं इस पर क्लिक करके इसको चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर इसका पासवर्ड डालना होगा जो पहले से लगा हुआ है। चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो देखिए पासवर्ड हट चुका है। व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल ओपन हो जाएगी। तो देखिए इस आधार कार्ड में पहले पासवर्ड लगा हुआ था लेकिन अब हमने इसका पासवर्ड हटा दिया है। तो इस तरीके से आप किसी भी पीडीएफ पर अगर पासवर्ड लगा हुआ है तो उसके पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। अब आते हैं कि आपको कहीं पर फॉर्म में पीडीएफ को अपलोड करना है लेकिन वहां पर साइज मांगा जा रहा है 100 KB, 200 KB या 300 KB, और आपकी पीडीएफ का साइज है 1 MB या 2 MB,
या इससे ज्यादा, तो आप उसको कंप्रेस कैसे करेंगे, यानी उस पीडीएफ के साइज को आप कम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसका साइज आप कम करना चाहते हैं, या नीचे आएंगे यहाँ पर व्यू फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की सभी पीडीएफ फाइल यहाँ पर आ जाएगी। जिसका भी साइज आप कम करना चाहते हैं यहाँ से आप उसको चूज कर लेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक बिल है, इसका साइज कम करना है, तो इसको मैं चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज डालने होंगे कितना साइज आप कम करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे कम करना है 20%, तो मैं यहाँ पर 20 टाइप कर देता हूँ। इसी तरीके से आप 50%, 70% जितना चाहे उतना साइज कम कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका साइज कम हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर किसी पीडीएफ फाइल में बहुत सारे पेजेस हैं और आप उन पेजेस को अलग अलग करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्प्लिट पीडीएफ करेंगे, और अगर बहुत सारे पेजेस हैं उनको आप एक ही पीडीएफ में ऐड करना चाहते हैं तो आप मर्ज पीडीएफ करेंगे। अगर आप किसी पीडीएफ के कलर्स को इन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वर्ट पीडीएफ चूज करेंगे। अगर किसी पीडीएफ के डुप्लीकेट पेजेस को आप अलग करना चाहते हैं तो रिमूव डुप्लीकेट पेजेस पर क्लिक करेंगे। अगर किसी पीडीएफ में आप पेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पेजेस चूज करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट इमेजेस है, अगर आप अपनी पीडीएफ फाइल में जितने भी फोटोज हैं, इमेजेस हैं, उनको अलग करना चाहते हैं तो आप एक्सट्रैक्ट इमेज चूज करेंगे। पीडीएफ में जो पेजेस हैं अगर आप उनको रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, पेजेस को रीऑर्डर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इस एप्लीकेशन में 17 से भी ज्यादा ऑप्शंस दिए गए हैं पीडीएफ को मैनेज करने के लिए। तो ये एक कंप्लीट पीडीएफ कन्वर्टर है जिसके जरिए आप अपनी पीडीएफ फाइल को इजीली मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। सो गाइस, इस तरीके से आप एक ही एप्लीकेशन की हेल्प से ये सारे काम कर सकते हैं, अपनी पीडीएफ को आप मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।